जय हिंद दोस्तों। बीजेपी की प्रवक्ता है जिनका नाम है नुपुर शर्मा। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर टीवी डिबेट में एक विवादित बयान दिया था। विवादित बयान जो दिया था दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता इस तरीके का गंदा बयान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दिया था। जैसे ही उनकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई, वैसे ही भारत के जो मुसलमान है प्रोटेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा बवाल मचना शुरू हो गया। 10 दिन से भारत के जो मुसलमान है वो मांग कर रहे थे कि कार्रवाई हो नुपुर शर्मा पर, बीजेपी कार्रवाई करे। उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई थी पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है दोस्तों। तो सिर्फ भारत के मुसलमानों की तो बीजेपी ने सुनी नहीं, पर जैसे ही बाहर के जो अरब देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, बहरेन हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इन सब के वहां से जो दोस्तों कुवैत, इन सब देशों ने, अरब देशों ने जो भारत के की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो रूल कर रही है इस टाइम, उसकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसकी जो निंदा अरब देशों ने स्टार्ट करी, इतनी ज्यादा निंदा करी है दोस्तों, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी है, ये साथ के साथ इनके ऊपर NSA लगना चाहिए था, UAPA लगना चाहिए था और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारत के मुसलमान 10 दिन से मांग कर रहे थे गिरफ्तारी की, कार्रवाई करने की, बीजेपी ने नहीं सुनी। जब तक बाहर देशों से बेइज्जती नहीं करवा ली, जब उन्हें थोड़ी सी अकल आई और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। दोस्तों यहां तक निंदा ही नहीं करी है बाहर के देशों ने, यानी अरब देशों ने, उन्होंने भारत के जो प्रोडक्ट वहां पर बिकते हैं उनके स्टोर में, उनके मॉल में, उनको निकालना यानी रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, उनको बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की वजह से भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों साथ के साथ अरब देशों में सबसे ज्यादा मजदूर जो हैं भारत के वो काम करते हैं, अब उनकी नौकरियों के ऊपर भी सवाल उठने लगा है। नौकरियों से भी अरब के देश उन्हें निकाल सकते हैं। अगर उन देशों से भारत के मजदूर नौकरियों से निकलते हैं तो उसका नुकसान सीधा भारत को होगा। और किस वजह से होगा? वो नुपुर शर्मा की वजह से होगा, जो बीजेपी की प्रवक्ता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखा था और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निकाला है, कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कोई मुसलमान कुछ किसी और धर्म के बारे में ऐसा कुछ कर देता तो आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होती और किस तरीके की कार्रवाई होती। आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।